हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड्स। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सरसाइज थर्ड बी हम लोग लगा रहे हैं, उसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 के आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहा है, ए मैन इन्वेस्ट रुपीज 11,200 इन अ कंपनी पेइंग 6% पर एनम व्हेन इट्स रुपीज 100 शेयर्स कैन बी ब्रॉट फॉर रुपीज 140। फाइंड क्वेश्चन नंबर पार्ट वन हिज एनुअल डिविडेंड एंड सेकंड हिज परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो फ्रेंड्स, इसमें क्या दिया हुआ है हम लोग को? इसमें इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 11,200 रुपीज़ का। यहाँ पे रेट ऑफ डिविडेंड दिया है 6%, ठीक है? हमें मार्केट वैल्यू पता है रुपीज़ 140। तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे कि हमारे पास कितने शेयर्स हैं, और फिर उसके बाद हम लोग निकालेंगे कि एनुअल डिविडेंड कितना है उसको मिल रहा है। तो ठीक है, पहले हम लोग लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ है, क्या क्या हमको मालूम है, ठीक है? आप लोग को आसान होगा, आप मेरे ख्याल से आप लोग क्वेश्चन लगा रहे होंगे, आप लोग को सब समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, कमेंट ज़रूर करिए। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, इन्वेस्टमेंट कितना किया है? इन्वेस्टमेंट किया है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, रुपीज 12,200 रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे दिया है 6%। तो मार्केट वैल्यू भी हमको पता है, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर 140 रुपीज़। तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ़ शेयर्स निकाल लेंगे कि कितने हैं हमारे पास। कैसे निकालेंगे, आपको फॉर्मूला याद है? टोटल इन्वेस्टमेंट अपॉन रेट ऑफ वन शेयर, ठीक है? इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, तो कितना है? 11,200 अपॉन 140। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड करेंगे 11,120 को 40 से, तो इसको डिवाइड करने पे हमारे पास आएगा 80। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 80, ठीक है? अब हम इनकी फेस वैल्यू से वैल्यू निकालेंगे कितनी है। फेस वैल्यू ऑफ 80 शेयर्स इज इक्वल टू 80 इंटू 100, क्योंकि ये 100 हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है रुपीज़ 100। तो यहाँ पे आ गया आपका 8,000 रुपीज़, इतने का हमने शेयर्स खरीदे हुए हैं। तब इसमें क्वेश्चन पार्ट वन पूछ रहा है इस एनुअल डिविडेंड, तो एनुअल डिविडेंड कितना होगा? क्या होता है? फेस वैल्यू ऑफ वन, फेस वैल्यू ऑफ टोटल शेयर्स मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ डिविडेंड, तो कितना होगा? रुपीस 8,000 इंटू 6/100, 6% का है। तो कितना कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करिए 6 × 4 = 48 और 0। तो टोटल डिविडेंड हमें मिल रहा है यहाँ पे 480 रुपीज़ का। तो ये तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लिया। अब सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? हिज परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको फॉर्मूला पता है, टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट हंड्रेड, ठीक है? तो क्या होगा, टोटल डिविडेंड कितना है? 480 इंटू 100
डिवाइड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 11,200। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, 480 डिवाइड बाय 112। इसको आप सॉल्व करेंगे, रफ में सॉल्व करते हैं तो कितना आ रहा है, 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4, 10 में से 8 गया 2, 7 3, पॉइंट लगाया तो कितना आएगा 0.2, 2 2 4, 2 2 1 2, 2 1 2, माइनस करेंगे तो 6, फिर यहाँ पे आएगा 9, ठीक है इतना आया। फिर इतना आगे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तो कितना आया 4.2%। इसको हमें अप्रॉक्सीमेट मान लिया है, तो आपका ये हो गया आपका परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। तो ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आप लोग को समझ में आया होगा।